विनोद जी, क्या अगर मान लीजिए शरद पवार अगर इस्तीफा ही दे दे, किसी और को अध्यक्ष बना दें और शरद पवार मेंटर के तौर पे काम करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? उसमें एनसीपी के लोग इतना आंसू क्यों बहा रहे हैं, धरने में क्यों बैठ रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, अभी मैं आपके ही .com के एक दूसरे प्रोग्राम में था, विवेक देशपांडे जी भी उसमें थे, हम लोग साथ में यही डिस्कस कर रहे थे। देखिए जो परिवार आधारित और लीडर बेस्ड पार्टियां होती हैं, उनमें जो सर्वोच्च नेता होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी पार्टी खड़ी होती है, वो जब इस तरह की घोषणा करता है तो एक इमोशनल जो है चार्ज माहौल पूरा वातावरण हो जाता है। सोनिया गांधी ने जब इस्तीफा दिया था तो याद कीजिए पूरे 10 जनपद के बाहर जो है कितने दिन तक मेला लगा रहा था, याद कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कहा था ना टायर्ड ना रिटायर्ड, तो उसके बाद अडवाणी जी का पूरा कैंप जो है वो एकदम किनारे खिसक गया था और अटल जी हो गए थे। तो इस तरह के ये इमोशनली चार्ज होना कार्यकर्ताओं का स्वाभाविक है। और शरद पवार ने एनसीपी खड़ी की है, वो एनसीपी के संस्थापक हैं, वो एनसीपी के एक एक कार्यकर्ता दिलों में बसे हुए नेता हैं। इसलिए एनसीपी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, विधायकों में, सांसदों में जो भी है, अगर उनके अंदर ये लगता है कि भाई पवार साहब को रहना चाहिए, तो वो स्वाभाविक है। और पवार साहब यही चाहते भी थे। वो दरअसल जो परिवार में एक उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है और बाहर से जिस तरह दबाव आ रहे हैं, जैसे जिक्र भी शीतल जी कर रहे थे, तो दोनों दबावों का इससे बेहतर जवाब क्या दे सकते थे कि पार्टी के भीतर एक भावनात्मक एक ज्वार खड़ा करो, सारी ताकत सारा समर्थन उनके साथ जुटे, और जिससे वो आंतरिक जो परिवार में जो उत्तराधिकार का झगड़ा है, पावर स्ट्रगल है, उसको भी सॉर्ट आउट कर सके, और बाहर का जो मसला है उसको भी टाइम गेन कर सके। और टाइम गेन करने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे स्थितियां उनके पक्ष में हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने ये एक बड़ा दाव खेला है। और ये आप उनके उस बयान से जोड़िए जब उन्होंने कहा था रोटी को उलटने पलटने का वक्त आ गया है, तो उलटने पलटने का मतलब यही था उनका, मुझे अब लगता है। वरना तो पवार साहब को समझना तो शायद दो ही लोग समझ सकते हैं, पवार साहब खुद अपने आप को समझ सकते हैं या परमपिता परमेश्वर समझ सकते हैं उनको, जिन्होंने सृष्टि बनाई है। इसलिए पवार साहब को समझना, आप याद कीजिए, विनोद जी, मैं मेरे जो महाराष्ट्र के तीनों साथी हैं जो हमारे आदरणीय गेस्ट हैं, मैं उनमें से किसी की बात से मैं सहमत नहीं हूं, और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, और मैं ये चुनौती भी मतलब उनके सामने रखना चाहता हूं। देखिए शरद पवार जैसा नेता अगर कोई इतना बड़ा कदम उठाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। वो सिर्फ न्यूज में आने के लिए नहीं कर रहे होंगे, किसी संकट को टालने के लिए ही कर रहे होंगे। और वो संकट क्या हो सकता है? संकट मैंने कहा ना, संकट भीतर भी है, संकट बाहर भी है। भीतर संकट जो है परिवार का है, अजित पवार और सुप्रिया के बीच में जो पावर स्ट्रगल है जिसको लेके पार्टी के अंदर बहुत असहज स्थिति है। और बाहर का संकट ये है कि जो इस तरह विधायकों पर दबाव पड़ रहा है, जिस तरह एजेंसी विधायकों का, जैसा कि कहा गया खबरों में आया है, शरदजीत पवार जी ने खुद इस बात को कहा है कि मैन टू मैन मार्किंग करके, और उन्होंने जो है कहा कि भाई आप इधर आ जाइए, और अजित पवार के साथ जिस तरह मीटिंग हो रही है देवेंद्र फडणवीस की हुई, तो ये सारी चीजें जो है, ये संकट तो है क्योंकि शरद पवार इस समय अपोजिशन के सबसे बड़े पिलर हैं। एक तरफ विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, 2024 में केंद्रीय भूमिका उनकी उनको दिखाई पड़ रही है कि अगर कोई सरकार केंद्र में गैर बीजेपी की बनती है तो उसके वो एक तरह से मेंटर होंगे, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी, तो वो सब। और महाराष्ट्र में अगाड़ी को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है जनता के बीच में, जिस तरह रैलियां हो रही है, ऐसे में अगर अगाड़ी में कोई गड़बड़ी होती है तो वो भी शरद पवार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कुल मिलाकर के एनसीपी को अपनी ताकत बढ़ानी है। तो ऐसे में शरद पवार इस पूरे संकट को टालने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, भीतर का संकट भी बाहर का संकट भी, ये मेरी समझ है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।